नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। और ये आपकी होने जा रही है क्लास फर्स्ट, जो नवंबर का एग्जाम है। हम लोगों का टारगेट है अब की बार CCC पार। जी हाँ, जो नवंबर में एग्जाम है 2 तारीख से, तो उसको क्या करना है, हर हालत में क्लियर करना है। इसके लिए करेंगे क्या, मैं आज 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हर एक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन वाइज क्या करता जाऊंगा, वीडियोस प्रोवाइड करता जाऊंगा। तो आप सारे वीडियोस देखते जाइएगा, जिससे आपके हर एक टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और मेरा टारगेट रहेगा 400 to 500 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने की, जो एग्जाम में आ चुके हैं और पॉसिबिलिटी है फिर से एग्जाम में आएंगे। क्लियर है? तो आप ये 400 to 500 क्वेश्चंस यदि याद करके जाते हैं, तो आसानी से आपका पेपर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल पूरे वीडियोस देखिएगा, याद कर लीजिएगा ध्यान पूर्वक। क्लियर है? और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत करिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आप अपने फ्रेंड्स को जो एग्जाम जिनका होने वाला है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CCC से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा, आपका रिजल्ट, सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन डेट, जो कुछ भी अपडेशन आएगा, वो आपको क्या हो जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या करिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो फर्स्ट क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं नवंबर से, तो मैंने पहला टॉपिक लिया है लिब्रा ऑफिस, जहां पर हम लोग बात करेंगे 100 या मोर देन 100 क्वेश्चंस की, जिसका ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्लियर है? रैपिडली बात करेंगे, जल्दी जल्दी, कोशिश रहेगी विद इन 20 मिनट्स to 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन क्या कर लिए जाए, कवर अप कर लिए जाए, या उससे जल्दी। ठीक है? तो भाई लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइटर में सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन Ctrl+B, बी ऑप्शन Ctrl+= सी ऑप्शन Ctrl+Shift+B, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा हर एक क्वेश्चन के लिए। बस मैं आपको 3 सेकेंड्स दूंगा, ठीक है, 3 सेकेंड दूंगा, चैट या कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? या सिर्फ ध्यान पूर्वक वीडियो देखते जाइए। तो इसका राइट आंसर होगा सी Ctrl+Shift+B। क्लियर है? Ctrl+Shift+B किस लिए होता है? सबस्क्रिप्ट के लिए होता है, राइटर में पूछा जा चुका है ये शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। राइटर में इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन Ctrl+F1, बी ऑप्शन Ctrl+F2, सी ऑप्शन Ctrl+F12, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ये भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में अगस्त और सितंबर में। इसका जो राइट आंसर होगा Ctrl+F2 होगा। क्लियर है? ये राइटर में हमें टेबल नहीं लानी है, तो Ctrl+F2 प्रेस करेंगे तो नई टेबल क्या हो जाएगी, आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। लिब्रे ऑफिस में राइटर का फाइल एक्सटेंशन होता है? ए ऑप्शन .odt, बी ऑप्शन .ods, सी ऑप्शन .odp, डी ऑप्शन .odm। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 3 सेकेंड्स है आपके पास, रैपिड करेंगे जल्दी जल्दी। क्लियर है? लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए एक सरप्राइज भी है। आपके लिए क्या है, एक बहुत अच्छा सब्सक्राइब सरप्राइज है। ठीक है? सब्सक्राइब तो करेंगे करेंगे, बहुत अच्छा सरप्राइज है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा .odt। ठीक है भाई, .odt, लिब्रे ऑफिस में राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .odt। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। लिब्रे ऑफिस में कौन वर्ल्ड की तरह कार्य करता है? ए ऑप्शन कैलसी, बी ऑप्शन इंप्रेस, सी ऑप्शन राइटर, डी ऑप्शन ड्रॉ। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, 5 सेकेंड्स है आपके पास, आपका टाइम अप। राइट आंसर होगा राइटर। क्लियर है? राइट आंसर क्या होगा, राइटर। लिब्रे ऑफिस में वर्ड की तरह कौन काम करता है, राइटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 6, 4,
सेवन एट, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। फाइव सेकेंड्स है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा सिक्स। ठीक है, जब हम लोग ऑप्शंस में जाएंगे राइटर के तो वहां पर मिनिमम कितना मिलने वाला है, सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइटर में अधिकतम कितना फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन 96, बी ऑप्शन 72, सी ऑप्शन 84, डी ऑप्शन 78। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है। फाइव सेकेंड्स है आपके पास, टाइम आपका अप, बहुत कम टाइम में दे रहा हूं। क्लियर, जल्दी से कमेंट या आप चैट में आंसर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए 96। राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है, 96। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, आप बस ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, बस आपको सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन, राइटर में अधिकतम कितना फॉन्ट साइज एंटर कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे तो वहां 6 to 96 मिलता है, और यदि कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो मैक्सिमम कितना मिलने वाला है, 999.9। ठीक है, मैक्सिमम कितना मिलेगा, 999.9 अधिकतम फॉन्ट साइज हम एंटर कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम फॉन्ट साइज एंटर नहीं कर सकते हैं। और सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितना मिलने वाला है, 96, और मिनिमम 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइटर में टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ए ऑप्शन .odt, बी ऑप्शन .ott, सी ऑप्शन .odp, डी ऑप्शन .odx। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा .ott। क्लियर है, .ott इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और ये सभी क्वेश्चंस आपके अगस्त सितंबर और अक्टूबर के एग्जाम में क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, ए ऑप्शन Ctrl+Shift+P, बी ऑप्शन Ctrl+Shift+O, सी ऑप्शन Ctrl+F2, डी ऑप्शन Ctrl+F11। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ये भी आपका अगस्त में भी आया है, सितंबर में भी आया है, और अक्टूबर में भी पूछा है, और इसका जो राइट आंसर होगा, याद कर लेना, बिल्कुल याद कर लेना, छप जाना चाहिए दिमाग में, Ctrl+Shift+O प्रिंट प्रीव्यू, Ctrl+Shift+O किस लिए, प्रिंट प्रीव्यू पूछा गया है, दिमाग में बिल्कुल छाप लो इसको, Ctrl+Shift+O प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइटर में मिनिमम जूम कितना होता है, ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 5%, डी ऑप्शन 15%। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन 20%। क्लियर है, कितना होता है, 20%, राइटर में मिनिमम जूम 20% होता है, याद कर लेना, पूछा गया है ये भी दिमाग में, मिनिमम 20। ठीक है, छप जाने चाहिए सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछेंगे, लिब्रे ऑफिस में 25 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, 25 टू 40 क्वेश्चंस भी एक एक पेपर में, तो बिल्कुल याद कर डालो ये 100 क्वेश्चन, 50 पार्ट वन के और 50 पार्ट टू अभी आपको 2 से 3 घंटे बाद मिल जाएगा। राइटर में मैक्सिमम कितना जूम होता है, ए ऑप्शन 200%, बी ऑप्शन 500%, सी ऑप्शन 600%, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसका, 5 सेकेंड्स है आपके पास, कमेंट करिए या चैट में भी आंसर दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 600, सी ऑप्शन। क्लियर है, सी ऑप्शन राइट होगा, राइटर में मैक्सिमम जूम 600% होता है, राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है, 600% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, ए ऑप्शन Ctrl+Shift+S, बी ऑप्शन Alt+Shift+S, सी ऑप्शन Alt+S, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है, कोशिश करिएगा जल्दी से, जी हाँ रैपिड कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, 50 क्वेश्चन है, Ctrl+Shift+S, ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा, Ctrl+Shift+S, राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S होती है, प्रिंट प्रीव्यू की अभी पड़ी थी Ctrl+Shift+O। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, ए ऑप्शन Shift+Enter, बी ऑप्शन Alt+Enter, सी ऑप्शन Ctrl+Enter, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा,
इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एंटर होगा, सी ऑप्शन। राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एंटर होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है। अच्छा, जहां पर मैंने लिब्रे ऑफिस लिखा है ना राइटर, ना कैलसी, ना इंप्रेस, ना ड्रॉ, कुछ नहीं बोला, सिर्फ लिब्रे ऑफिस बोला है, मतलब ये सभी जगह लागू है, सभी जगह क्या होगी, लागू होगी। ए ऑप्शन क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एफ। तो बताइएगा फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही होगा। याद रखना लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है। ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस F11, बी ऑप्शन शिफ्ट प्लस F11, सी ऑप्शन Alt प्लस F11, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कोशिश करिएगा सही आंसर देने की। बिल्कुल जी, इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, शिफ्ट प्लस F11। क्लियर है। राइटर में यदि हमें न्यू स्टाइल लानी है तो क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 क्या होगा, इसका शॉर्टकट की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है। ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस N, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस T, सी ऑप्शन F5, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में, बात ध्यान रखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए सरप्राइज है वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए। सी ऑप्शन होगा F5, नेविगेटर की क्या होती है, नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है, F5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है। ए ऑप्शन F2, 17 क्वेश्चन चल रहा है भाई। लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है। ए ऑप्शन F2, बी ऑप्शन F1, सी ऑप्शन F4, डी ऑप्शन F5। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसका जो राइट आंसर होगा F1। ध्यान रखना कहीं पे भी भाई हेल्प की बात है F1 ही होता है, विंडो हो, ब्राउजर हो, कोई आपका कोई भी सॉफ्टवेयर, F1 प्रेस करोगे तो हेल्प आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी क्या मिलने वाला है, बी ऑप्शन F1 ही सही रहेगा, लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होगी, F1 होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस में मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होगी। ए ऑप्शन F12, बी ऑप्शन F2, सी ऑप्शन F4, डी ऑप्शन F11। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी सही होगा, F11 होगा, ठीक है भाई। राइट आंसर क्या होगा, F11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राइटर में कमेंट्स का ऑप्शन कहां होता है। ए ऑप्शन इंसर्ट, बी ऑप्शन एडिट, सी ऑप्शन टेबल, डी ऑप्शन फॉर्मेट। तो बताइएगा कमेंट्स का ऑप्शन राइटर में कहां मिलता है। ये सारे ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, याद कर लेना भाई, बी ऑप्शन एडिट होगा, ठीक है। राइटर में कमेंट्स का ऑप्शन कहां पे मिलता है, एडिट में मिलता है। राइटर में कमेंट्स का ऑप्शन कहां मिलता है, एडिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राइटर में हेडिंग 1 स्टाइल लागू करने के लिए करते हैं। ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस 1, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस A, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस 2, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस 1 होगा। ये बात ध्यान रखना, जब हेडिंग 2 लगानी हो तो कंट्रोल प्लस 2, हेडिंग 3 लगानी हो तो कंट्रोल प्लस 3, हेडिंग 1 लगानी हो तो कंट्रोल प्लस 1। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राइटर में फॉन्ट का न्यूनतम साइज होता है। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, इससे पहले भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, जरा समझना अंतर क्या है। मैंने पूछा था मिनिमम कितना होता है पहले से, तो 6, और मैक्सिमम कितना होता है 96। यदि कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो 999.9, ठीक है,
999.9 हो जाएगा आंसर। और यदि हम मिनिमम एंटर कर रहे हैं कीबोर्ड से तो कितना रहने वाला है, 2। ऑप्शन वाइज जाओगे तो 6 और 96, और कीबोर्ड से एंटर करोगे तो मिनिमम कितना मिलने वाला है, 2, और मैक्सिमम 999.9। तो याद रखना है, न्यूनतम पूछ लिया जाए कितना है, कम से कम तो 2 से नीचे नहीं दे सकते फॉन्ट साइज, क्लियर है। और ऑप्शन वहां पर मिनिमम कितने का अवेलेबल रहता है, 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहां पर क्वेश्चनिंग गलत हो गया, क्वेश्चन 8 लिख दिया, क्वेश्चन 22, चलिए कोई बात नहीं। राइटर में लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की होती है, ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस एम, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस बी, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एंटर, डी ऑप्शन शिफ्ट प्लस एंटर। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस एंटर होगा, डी ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, राइटर में डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए प्रयोग करते हैं, ए ऑप्शन होम, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस होम, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस होम होगा, क्या होगा, कंट्रोल प्लस होम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए प्रयोग करते हैं, ए ऑप्शन होम, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस होम, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस होम, डी ऑप्शन आल्ट प्लस होम। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होम होगा, ठीक है। लाइन की शुरुआत में जाना है तो होम, और यदि हमें डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार इस क्वेश्चन को अक्टूबर में पूछा इस तरीके से था कि कोई एक लाइन लिखी है उसकी शुरुआत में हमें जाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, ठीक है। तो वहां पर आंसर क्या था, होम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राइटर में इंसर्ट कमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F12, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, कंट्रोल आल्ट प्लस सी। याद रखना यदि हमें कमेंट इंसर्ट करना है राइटर में तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तो हमारा कमेंट इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राइटर में फॉर्मूला की शॉर्टकट की क्या होती है, ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस एफ, बी ऑप्शन F2, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F2, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रख लेना पूछा गया है F2 होता है, राइटर में फॉर्मूला की शॉर्टकट की F2 होती है, राइटर में फॉर्मूला की शॉर्टकट की F2 होती है, मतलब जैसे ही आप F2 दबाओगे राइटर में फॉर्मूला आ जाएगा और आप एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, राइटर में रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है, ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस आर, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस आर, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, याद रखना राइटर में जो रूलर की शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राइटर में डिफॉल्ट मार्जिन होता है, ए ऑप्शन 1 इंच का, बी ऑप्शन 0.50 इंच का, सी ऑप्शन 2 इंच का, डी ऑप्शन 0.75 इंच का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा। याद रखिएगा राइटर में बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन होता है वहां पर वो 0.75 इंच का होता है, 0.75 इंच का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लिब्रे ऑफिस किस किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है, ए ऑप्शन विंडोज, बी ऑप्शन लिनक्स, सी ऑप्शन मैक, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसमें, जी हाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। लिब्रे ऑफिस विंडोज पे भी हम चला सकते हैं, लिनक्स पे भी चला सकते हैं और मैक पे भी चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, राइटर में एंड नोट और फुट नोट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, ए ऑप्शन एडिट, बी ऑप्शन व्यू, सी ऑप्शन फॉर्मेट, डी ऑप्शन इंसर्ट। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है ये भी, इसका जो राइट आंसर होगा वो इंसर्ट होगा, क्लियर है।
हम लोग रैपिड कर रहे हैं, जल्दी जल्दी क्लियर है। अभी भी जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक कर दो, शेयर कर लो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आपके लिए क्या है सरप्राइज है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैलसी के क्वेश्चंस की, राइटर के खत्म हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए बहुत बार पूछे जा चुके हैं, 30 क्वेश्चंस थे। 31st क्वेश्चन आते हैं जो कैलसी से रिलेटेड है, लिब्रे ऑफिस में कैलसी में कितनी रोज होती हैं? ए ऑप्शन 64,000, बी ऑप्शन 1,32,000, सी ऑप्शन 32,000, डी ऑप्शन 10,48,576। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10,48,576 रोज होती है, याद रखना 10,48,576 क्या होती है रोज होती है कैलसी में। 32 क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में कैलसी में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस डी, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एल, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस टी। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा यहां पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, क्लियर है। यदि हमें लिब्रे ऑफिस में राइटर में क्या सॉरी कैलसी में राइटर नहीं कैलसी में डेट इंसर्ट करनी है तो जैसे ही हम कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करेंगे हमारी डेट सेल में लिखकर आ जाएगी। और कौन सी डेट आएगी तो याद रखना जो कंप्यूटर में आपके सेव होगी। मान लीजिए आज मेरे कंप्यूटर में 31st अक्टूबर है तो क्या लिख के आ जाएगा 31st, और मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में गलत डेट सेव है, मान लीजिए सेव है 26 अक्टूबर, तो मैं कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन प्रेस करूंगा तो 26 अक्टूबर क्या हो जाएगा लिख के आ जाएगा। तो मतलब जो कंप्यूटर में आपके डेट होगी वही डेट कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन प्रेस करने पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, लिब्रे ऑफिस में मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन ए नहीं यहां पर ई हो गया चलिए ठीक है ई ऑप्शन F12, ए ऑप्शन F2, बी ऑप्शन F4, सी ऑप्शन F11। तो बताना राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका जो राइट आंसर होगा F11, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान रखना ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, ऊपर भी रिपीट है, थोड़ा सा अंतर है या तो सेम हो सकता है। वहां पर करते हैं क्या कई बार पूछ लेते हैं कैलसी में मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है, राइटर में मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है, इंप्रेस में मैनेज स्टाइल, तो सब कहीं F11 ही रहने वाला, याद रखना F11 ही रहेगा। न्यू स्टाइल की बात होगी तो शिफ्ट प्लस F11, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जी हाँ फंक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इक्वल टू मॉड 5,3 का रिजल्ट क्या होगा बताइएगा। ए ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन 3 है, सी ऑप्शन 2 है, डी ऑप्शन 5 है। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ये आंसर वो लोग बता भी सकते हैं जिन्होंने लाइव ऑनलाइन टेस्ट के पूरी क्लासेस की होंगी, तो उनका जो राइट इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा 2, क्लियर है। मॉड 5,3 का राइट आंसर क्या होगा 2। क्वेश्चन नंबर 35, लेन ब्रैकेट में लाइक का रिजल्ट क्या होगा। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 5। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ये भी फंक्शन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ये एक्सेल में भी था और कैलसी में भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4, क्यों, क्योंकि लेंथ फंक्शन क्या करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उसकी उनकी संख्या को क्या करता है वापस करता है। यहां LIKE लाइक में कितने अक्षर है, LIKE 4, तो आंसर क्या मिल गया 4, क्लियर है। लेन फंक्शन स्ट्रिंग में या कह लो शब्द में जितने अक्षर होंगे उनके नंबर को क्या कर देगा वापस कर देगा। यदि यहां पे मैं बैट लिख देता तो आंसर क्या मिल जाता 3, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इक्वल टू राउंड 5.244,2 का रिजल्ट क्या होगा। ए ऑप्शन 5.2, बी ऑप्शन 5.25, सी ऑप्शन 5.24, डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा 5.24, क्लियर है। राउंड करता क्या है जरा समझ लेना, राउंड के द्वारा हम ये बताते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक रहने चाहिए। यहां पर 2 दिया है तो कितने अंक हैं, 1 हटा दिए इसने, 2 अंक क्या कर दिए वापस कर दिए, ठीक है। ये 2 क्या बता रहा है कि भाई पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए, अभी कितने 3 और रिजल्ट में कितने मिले 2, क्लियर है। तो राउंड के द्वारा हम सेट कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए। फ्लोर इक्वल टू फ्लोर 3.56,1 का रिजल्ट क्या होगा। वेरी गुड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ए ऑप्शन 3,
बी ऑप्शन 3.60, सी ऑप्शन 3.50, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फ्लोर क्या कर देता है, घटा देता है, और सेलिंग क्या कर देता है, बढ़ा देता है। फ्लोर घटाने का मतलब क्या है जरा समझना। मान लीजिए हम किसी मेडिकल शॉप के पास गए और उसने 3.5 रुपए की दवा थी, मान लो 3.56, तो दुकानदार ने क्या कहा, भाई 3 रुपए दे दो, 56 पैसे उसने क्या कर दिए, छोड़ दिए। क्लियर है? तो फ्लोर क्या कर देता है, घटा देता है। किस लिए, जिससे वो राउंड में आ जाए, मतलब ठीक है पॉइंट की वैल्यू पूरी की पूरी हट जाए। ठीक है, और यहां पर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3.56, 1। तो यहां पर 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अधिकतम आप एक घटाएंगे, ऐसा नहीं 3.5 की दवा वो मुझे 2 की दे देगा, नहीं, उसने 56 पैसे क्या कर दिए, छोड़ दिए, 3 रुपए वो क्या करेगा, ले लेगा। क्लियर है? तो यहां 1 रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम आप कितना घटा सकते हैं। सेम क्वेश्चन मैंने देखो यहां पर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, सेलिंग का भी दे दिया, इक्वल टू सेलिंग 3.56, 1 का रिजल्ट क्या होगा, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 3.60, डी ऑप्शन 3.50। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीलिंग बढ़ाता है, फ्लोर घटाता है। सीलिंग क्या करता है, घटाता है फ्लोर, सॉरी फ्लोर क्या करता है, घटाता है, सीलिंग बढ़ाता है। कंफ्यूज मत होना, फ्लोर नीचे होता है ना, फ्लोर घटाना सीलिंग बढ़ाना, फ्लोर घटाना सीलिंग बढ़ाना। ठीक है, तो फ्लोर के मान लो एक दुकानदार के पास गए, भाई वो क्या कर रहा है, घटा के ले रहा है, दूसरे के पास गए 3.5 की दवा थी उसने 4 रुपए ले लिए। क्लियर है भाई? तो ध्यान रखना, सीलिंग क्या करेगा, बढ़ाएगा, फ्लोर क्या करेगा, घटाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? मैंने एग्जांपल भी बता दिया मेडिसिन का, मेडिकल का। ठीक है, आप जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है 3.56 है मान लीजिए, तो कई बार मुझसे कोई शॉपकीपर 3 भी ले लेता है और कई बार लोग 4 भी ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 39 भाई, कैलसी में लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, ए ऑप्शन है ANT, बी ऑप्शन है XFD, सी ऑप्शन है AMJ, डी ऑप्शन है ATS। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा AMJC। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कैलसी में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है, ए ऑप्शन चार्ट विजाल, बी ऑप्शन पाई चार्ट, सी ऑप्शन बार चार्ट, डी ऑप्शन इंसर्ट विजाल, इंसर्ट विजाल्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, चार्ट विजाल्ड की हेल्प से हम कैलसी में क्या करते हैं, चार्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कैलसी सेलेक्ट सेल का एड्रेस कहां दिखाई देता है। ठीक है, कैलसी में सेलेक्ट सेल का एड्रेस कहां दिखाई देता है, ए एड्रेस बार में, बी फॉर्मूला बार में, सी नेम बॉक्स में, डी नन ऑफ द अबव। तो याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है नेम बॉक्स। कैलसी में सेलेक्ट सेल का एड्रेस कहां दिखता है, नेम बॉक्स में। कैलसी में सेलेक्ट सेल का एड्रेस कहां दिखता है, नेम बॉक्स में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कैलसी में अधिकतम कितनी सीट जोड़ सकते हैं, ए ऑप्शन 10,000, बी ऑप्शन 1,000, सी ऑप्शन 5,000, डी ऑप्शन 300। तो बताइएगा राइट आंसर क्या है, होगा इसका भाई, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम मैक्सिमम 10,000 सीट जोड़ सकते हैं। ठीक है, कैलसी में अधिकतम हम कितनी सीट जोड़ सकते हैं, 10,000 सीट्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा कैर फंक्शन नहीं है, ए ऑप्शन लेन, बी ऑप्शन कैर, सी ऑप्शन PMT, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, कोशिश करिएगा सही आंसर बताने की। तो इसका राइट आंसर होगा PMT। PMT फाइनेंशियल फंक्शन है, जबकि लेन और कैर क्या है, कैर फंक्शन है। क्लियर है? तो यहां पर सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 44, ODS किसका फाइल एक्सटेंशन है, ए ऑप्शन राइटर, बी ऑप्शन कैलसी, सी ऑप्शन इंप्रेस, डी ऑप्शन ड्रॉ। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, कैलसी। ODS किसका फाइल एक्सटेंशन होता है, कैलसी का। 45 क्वेश्चन कैलसी का होता है, क्लियर, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, लिब्रा ऑफिस में विंडोज क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है, ए ऑप्शन Ctrl+A, बी ऑप्शन Ctrl+W, सी ऑप्शन Ctrl+O, डी ऑप्शन Ctrl+Q। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। यहां पर विंडोज को क्लोज करने को बोला है, वो भी लिब्रा ऑफिस की। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर होगा बी Ctrl+W। ठीक है,
कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होगा, पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज हो जाएगा, और यदि कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे तो जो फाइल अंदर ओपन होगी लिब्रे ऑफिस के सिर्फ वही क्लोज होगी, लिब्रे ऑफिस ओपन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, कैलसी में एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ए ऑप्शन एट द रेट, बी ऑप्शन डॉलर, सी ऑप्शन परसेंट, डी ऑप्शन एस्ट्रिक, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी डॉलर, क्लियर है। डॉलर एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए यूज होता है, कैलसी में भी और एक्सेल में भी होता था। कैलसी में एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए क्या यूज होता है, डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कैलसी में कॉलम की संख्या क्या होती है, ए ऑप्शन 1024, बी ऑप्शन 16384, सी ऑप्शन 256, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तो यहां पे राइट आंसर होगा 1024। कैलसी में जो भी वर्तमान में वर्जन चल रहा है प्रेजेंटली, उसमें कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 1024। और 48th क्वेश्चन, कैलसी में मिनिमम कितना जूम होता है, ई ऑप्शन, यहाँ पे एबीसी के ई भी लिख गया, चलिए कोई बात नहीं, ई ऑप्शन 10%, एफ ऑप्शन 20%, जी ऑप्शन 5%, एच ऑप्शन 15%, तो यहाँ पे भी मिनिमम 20% ही रहेगा। ध्यान रखना राइटर और कैलसी का मिनिमम जूम जो है 20% ही है, कैलसी और राइटर का मिनिमम जूम 20% है, मैक्सिमम में डिफरेंस है, मैक्सिमम जो राइटर का है वो 600% है जबकि कैलसी का 400% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें यही पूछा गया कैलसी में मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो मैंने बता ही दिया है 400% होता है जबकि राइटर में 600% होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है 50 क्वेश्चन, कैलसी में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, डी ऑप्शन शिफ्ट प्लस कॉलन, तो राइट आंसर यहां पे क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस, अभी रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चंस हैं, 100 बोला है, ठीक है 100 से ज्यादा ही हो जाएंगे, तो वो आपको अभी इस वीडियो के आने के 2 से 3-4 घंटे के अंदर ही क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो भी आपको लिब्रे ऑफिस का मिल जाएगा, क्लियर है। तो तैयारी करते रहिए, ये मेरी जिम्मेदारी, कल 1 तारीख को शाम तक सभी टॉपिक्स के आपको 100 क्वेश्चंस क्या मिल जाएंगे, तो याद करना, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, क्लियर है। लास्ट में बोला था मैंने वीडियो के क्या होगा, सरप्राइज होगा, तो सरप्राइज ये है कि आपको पीडीएफ भी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। वीडियो आपको मिलने के बाद जैसे ही पब्लिश होगा उसके 4 आवर्स के बाद या विद इन 4 आवर आपको क्या हो जाएगा, इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मेरा डिस्क्रिप्शन नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, तो वहां से आप व्हाट्सएप करना चाहो व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट करना चाहो तो कमेंट कर सकते हो, क्लियर है। और पीडीएफ का भी क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो वहां से आप डाउनलोड करके बाद में भी उसको रिवाइज कर सकते हैं, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो व्हाट्सएप करो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय।